नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट गुरु चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं अभी कि मेरी कार में लगा पड़ा जैक और मैं कर क्या रहा हूँ अपनी कार में, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे जो व्हील है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं जब भी मैं कार को चला रहा हूँ। हो क्या रहा है कि इसमें जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ तो उसके बाद ब्रेक वहाँ से रिलीज़ नहीं होते, ब्रेक को मैं छोड़ देता हूँ लेकिन ब्रेक रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। वो होता क्या दोस्तों, इस पर क्या होता है कि टाइम टाइम पे हमें सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे क्लिपर पिन होते हैं वो उनको रिलीज़ नहीं होने देते हैं, वहीं के वहीं होल्ड हो जाते हैं। वो होल्ड होने के बाद हो गया क्या दोस्तों, वहाँ से हमारे जो ब्रेक जो हमारे डिस्क पैड होते हैं दोस्तों वहाँ से रिलीज़ नहीं होंगे, तो उसके बाद उसके साथ वो घिसते चले जाएंगे और घिसने के बाद हो गया दोस्तों कि वहाँ पर हमारा व्हील काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा उसकी वजह से, और हमारे जो ब्रेक पैड होते हैं दोस्तों वो भी जल्दी हमारे घिस जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से मैं इसको साफ़ करता हूँ, किस तरीके से मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो चलिए अभी खोलते हैं टायर को और उसके बाद दिखाता हूँ आपको अंदर की चीज़ें। तो चलिए पहले खोल लेते हैं इसका व्हील कैप। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्लिपर पिन, जैसे कि एक ये है और दूसरा ये है। इसके अंदर होता है दोस्तों हमारा पिस्टन जो हमारे ब्रेक पैड को इस तरीके से प्रेस करता है जब हम ब्रेक को दबाते हैं और हमारी कार रुकती है, लेकिन जब हम ब्रेक को रिलीज़ कर देते हैं तो उसके बाद होना चाहिए क्या है, जो हमारे ब्रेक पैड हैं वो इस प्लेट से छूट जाने चाहिए। अगर वो छूटेंगे नहीं दोस्तों तो वहाँ पर वो रगड़ खाएंगे, रगड़ खाने के बाद होगा क्या, वो गर्म होंगे तो पूरे तरीके से वो छूट नहीं पाते। वक्त के साथ साथ होता क्या दोस्तों कि इसके अंदर डस्ट वगैरह आ जाती है और ग्रीस वगैरह जो है सारी ख़राब हो जाती है और ये डस्ट से भर जाता है, तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर वो बैक नहीं आ पाता, जो ये जो क्लिपर है दोस्तों वो बैक नहीं आ पाता और हमारे प्रॉप पूरे तरीके से रिलीज नहीं हो पाती। हम इसको खोलेंगे और उसके बाद इसको करेंगे क्लीन और जो भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको क्लीन वगैरह करके हम पूरा इसको दोबारा फिट करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना आए व्हील गर्म होने की। तो चलिए अभी खोलते हैं इसको। ये है हमारे ब्रेक पैड। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग अभी देख पा रहे हैं ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन दोस्तों ये यहाँ से कुछ ज़्यादा ही घिस रहा है आप देखेंगे, तो इसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लाइन वगैरह बन रही है, इसकी वजह से हमारी ये प्लेट ख़राब ना हो जाए दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको भी रेक मार्क वगैरह से इसको प्लेन करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाए और पूरा प्रॉपर तरीके से हमारे कार में ब्रेक लग पाए। तो इसको करेंगे क्लीन बाद में, पहले करते हैं दोस्तों इन क्लिपर को क्लीन। अभी सबसे पहले करेंगे दोस्तों हम इन क्लिपर पिन को ठीक। देखिए दोस्तों होता है कि जब हम ब्रेक को दबाते हैं तो ये भी इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस होता है, लेकिन जब हम ब्रेक को छोड़ते हैं तो इसका काम होता है इस तरीके से बाहर आना। देखिए इस तरीके से बाहर आता है ये, लेकिन ये हो कह रहा जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो अंदर जा रहा है लेकिन उसके बाद ये रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो यही इसमें प्रॉब्लम है इसमें और इसमें। इसकी वजह से जो हमारे डिस्क पैड है दोस्तों ये चिपक के रह रहे हैं इस पर और टायर हमारा गर्म हो रहा है और ये जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसको करते हैं ठीक फिलहाल, अभी देख पा रहे हैं अंदर और फिर बाहर नहीं आएगा। तो चलिए इसको करेंगे, पहले हमें किसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर थोड़ी इसमें ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके अंदर ग्रीस है लेकिन इसके अंदर डस्ट वगैरह बहुत है, डस्ट वगैरह बहुत है इसके अंदर, तो ये सारा क्लीन करना पड़ेगा हमें और नए सिरे से इसमें ग्रीसिंग वगैरह करके पूरा क्लीन करके इसको और इसको फिर इसको लगाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम कभी ना आए। तो चलिए करते हैं इसको क्लीन। ये वाली तो हो गई क्लीन, आप देख पा रहे हैं जैसे अंदर ये बिल्कुल हम क्लीन कर चुके हैं, तो इसको लगाएंगे बाद में, पहले कर लेते हैं इस वाले को क्लीन। अभी इसको भी क्लीन करना पड़ेगा, तो इसके लिए इस तरीके से इसको खोलना पड़ेगा। और ये है दोस्तों पिस्टन जिससे हमारे ब्रेक प्रेस होते हैं, ये रहा वो पिस्टन जो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अभी फिलहाल इस क्लिपर को करते हैं क्लीन। तो ये भी ऑलमोस्ट अब क्लीन हो चुके हैं, तो चलिए अभी थोड़ी बहुत करते हैं इसमें ग्रीसिंग, ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, थोड़ी बहुत लगाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसमें थोड़ी बहुत ग्रीसिंग ताकि काम करे अच्छे से। तो चलिए अभी नए सिरे से लगाते हैं इसमें ग्रीसिंग, ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे दोस्तों क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा चिपक जाती है और उस वजह से ये फिर काम करना बंद कर देगा। तो चलिए इतना बहुत है, इसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और थोड़ा बहुत यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। हाथ वगैरह काफ़ी गंदे हो गए, चलिए इतना चलता है। अभी डालते हैं इसको इसके अंदर और करते हैं यहाँ पर इसको फिट। ये देखिए दोस्तों अभी ये अंदर जाने के बाद ये अपना आप ही रिलीज़ हो रहा है, ये देखिए
पहले क्या हो रहा था, जब ये अंदर जा रहा था तो वहीं के वहीं होल्ड हो रहा था ये। अभी देखिए दोस्तों इस तरीके से ये काम कर रहा है, इसको क्लीन किया, दोबारा इसको ग्रीसिंग वगैरह की और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ताकि जो ब्रेक हम दबाएंगे तो उसके बाद रिलीज़ होंगे तो ये रिलीज़ हो जाएंगे, तो हमारा व्हील भी गर्म नहीं होगा और ब्रेक पैड हमारे ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे। तो चलिए ये तो कर रहा है वर्क, अभी इसमें करते हैं ग्रीसिंग और इसके बाद लग करते हैं इसको फिट। जादू, अब ये काफ़ी हद तक दोस्तों ठीक हो गए हैं, ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं ये। और जो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है क्या, ये है दोस्तों लेदर, ये लेदर है दोस्तों, ये जो हमारी ये लेदर और मेटल के मिक्सर से ये बनाया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों हमारे टायर पे काला काला कालापन सा आ जाता है, तो वो यही एक कालापन होता है दोस्तों, जैसे ही आपको दिख रहा है अभी, इसकी कई जो मिक्सचर होता है इसके घिसने के बाद कुछ इस तरीके से निकलता है। तो चलिए दोस्तों ये है 800 नंबर का रेक मार्क, तो थोड़ा बहुत हम इसको इससे इस तरीके से क्लीन कर देंगे। तो ये हो चुके हमारे, अब ये पूरे हो चुके दोस्तों ठीक, जो यहाँ पर गड्ढे वगैरह पड़ रहे थे वो भी बिल्कुल बराबर पूरा आ चुका, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारे कार में ब्रेक लगे। तो चलिए अभी करते हैं इनको फिट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्लिप होते दोस्तों वार्निंग क्लिप, अगर हमारे कार के ब्रेक पैड घिस जाते हैं। अभी देखिए ये घिसे नहीं है पूरे, ये अभी ये ऑलमोस्ट नए हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसमें लगाए थे, तो ये अभी इतना घिसे नहीं है। अगर ये घिसते घिसते इससे भी नीचे आ जाता तो होता क्या दोस्तों, ये जो प्लेट है इस पर ये टकराएगा, अभी ये घिसने के बाद यहाँ तक अगर आ जाता है तो ये इतना का इतना ही होगा और ये टकराएगा जाके इस पर, इस मेटल पर, तो हमारा जो व्हील का जो साउंड होगा दोस्तों, जब हम ब्रेक लेंगे तो वो साउंड करेगा, तो वो होता है दोस्तों वार्निंग सिस्टम। तो ये होता है, ये काम करता है उसमें, अगर ऐसा कुछ साउंड आता है तो उसके बाद हमें इनको चेंज करवाना पड़ता है, इसीलिए ये होता है दोस्तों, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे ब्रेक पैड घिस चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए वार्निंग सिस्टम दिया जाता है। तो चलिए अभी इसको भी कर लेते हैं फिट। तो चलिए दोस्तों यहाँ का तो काम हमारा हो गया, अभी रह गया इसका काम, ये है दोस्तों हमारी डिस्प्ले, जिसकी वजह से हमारी कार रुकती है, इस पर जाके वो चिपकता है। लेकिन हल्की फुल्की यहाँ पे लाइनें हैं दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाए थे ब्रेक पैड जो उनमें लाइन बन रही थी, तो वो लाइन यहाँ भी बनेगी, क्योंकि वो इसकी वजह से उस पर लाइन बने हैं। तो इसको हमें एक जैसा करने के लिए दोस्तों, ये रहा हमारे पास 800 नंबर का रेग मार, तो हमें इसमें इसको लगाना पड़ेगा, ताकि ये भी पूरा प्लान हो जाए। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से। तो चलिए दोस्तों ये भी हो चुका है पूरा हमारा क्लीन, और पूरी तरीके से ये हो चुका साफ। दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई काम नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख के वो काम करो, आपसे कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ ख़राब हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल ट्राई ना करें। मुझे ये सब काम आता है, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से ये काम मैं करता हूँ। तो चलिए अभी ये सारा काम हो चुका है, अभी करते हैं हम टायर को फिट और उसके बाद उतारते हैं जैक को, और यही प्रोसेस हम करेंगे दूसरे वाले व्हील पर और दूसरे वाले डिस पैड पे, उसको क्लीन करके लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ब्रेक का मामला होता है और इसमें कोई भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।